हर दिल की ख्वाहिश पूरी करें अल्लाह हर मैं सलमान को अपने हिस्से मान के सारी दुआ अल्लाह पाक जीता हर मैं सलमान दे पैर होता खैर अल्लाह से आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं मैं सब बहनें और भाई खैर खैरियत से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो माशाल्लाह से आज 12 रबी अव्वल है, तो मेरी तरफ से सब बहनों और भाइयों को जो है 12 रबी अव्वल का दिन हो जो है मुबारक हो। तो माशाल्लाह से अभी नमाज भी अदा करके और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। तो अभी बाहर बैठे थे, हमने सोचा बाहर बैठ के ना, अभी छाँव में आ बैठे हैं तो अभी मियाँ को कॉल भी करते हैं, कहते हैं कि आज सब फैमिली ने कहा है कि आज हमने मीठा बनाना है जी, क्योंकि तो खत्म शरीफ भी पढ़वाना है। अस्सलाम वालेकुम वाज, तो कैसे हैं आप सब? तो मेरी तरफ से सब बहनों और भाइयों को 12 रबी अव्वल का दिन मुबारक हो। माशाल्लाह बड़ा दिन होता है, इसमें जितनी इबादत करे बंदा उतनी कम होती है। और अपने वाज के लिए भी हमने काफी सारी दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक जिन जिसकी जो जो हाजत है अल्लाह पाक उनकी हाजत पूरी करे, जिसको कोई दुख तकलीफ है अल्लाह पाक उसकी जो है दूर करे जी। अमीन ने भी दुआ किया और मैंने भी सबने दुआ किया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने भी हमारे लिए जरूर दुआ करनी है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर में खुश और आबाद रखे। आमीन। तो व्याज आज मीठा बनाने वाले हैं, तो वो भी रूटीन आपसे शेयर करेंगे। अभी मियां को कॉल करते हैं, वो भी बस अभी ना सारा सामान लेके अभी आ जाएंगे। काबू हो जाओ।
उतार लो सब कुछ। क्या लेके आए? मुझे खा ली कुकड़। हमने तो आज नया बनाना था। विवेक इन्होंने ना अस्सलाम वालेकुम विवेक, कैसे हैं आप सब? तो आज माशाल्लाह 12 रबी अव्वल है और 12 रबी अव्वल की रूटीन आपसे शेयर करेंगे। बरकत और खुशियों भरा दिन है आज, ठीक है? तो इन्होंने मुझे कहा था कि सूजी का हलवा लेके आना, ठीक है? तो सूजी का हलवा मैं नहीं लेके आ सका, मैं जो है ना लेके आया हूँ चिकन, क्योंकि सूजी का हलवा जो है ना विवेक कोई घर में पसंद ज़्यादातर करता नहीं है। मैं नहीं खाता और सुहाना को भी नहीं पसंद, सारे घर वाले सिर्फ नमकीन। लेकिन हमने कहा नहीं खा रहे हैं, हमारे घर में एक दो बंदे हैं जो खाते हैं, हर बंदा नमकीन खाता है। तो मैंने कहा फिर वो चीज़ ले जाऊं, चलो सारे तो खाएं, अभी दो बंदों के लिए। फिर मैं सोच ये रहा था कि दो डिश बना लें, मैंने कहा टाइम थोड़ा है, वो ना हो कि दो चीजें इकट्ठी लेके जाऊं तो ये बना ही ना। आज माशाल्लाह बहुत ही बड़ा दिन है, तो हम सायों के घर से कभी मीठा आ जाएगा, इसलिए इसने यही सोचा होगा ना, इसलिए चिकन कोई मीठा मैं ये नहीं सोच गया विवेक कि कोई हमसाया हमें मीठा देगा। वो तो हर किसी की खुशी की बात है अगर इस दिनों में बंदा दे देता है। भाई की आगे आगे खड़ी कर, खुशी का दिन है, एक दूसरे को चीज देनी चाहिए ना, बड़े दिन को देते हैं ना। ओए अच्छा विवेक, इस महीने में ना ये पूरा महीना ही बरकत और रहमत वाला है, ठीक है? और इस महीने में आप भी कोशिश करें कि अगर किसी ने अभी तक दावत वगैरह नहीं की, मिलाद वगैरह नहीं किया, तो आप विवेक इस महीने में लाजमिन जो है ना दावत वगैरह और मतलब मिलाद वगैरह ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपको बेहिसाब देता है, उसने कभी आपसे कोई हिसाब नहीं किया, इतने नेमतें हम खाते हैं अल्लाह पाक की। तो मेरा इरादा भी है कि मैं भी बस कुछ करूं, मतलब दावत वगैरह मिलाद वगैरह करूं। जो हमारी तो अगर कोई मेरे साथ में मिल जाए तो विवश हो सकता है कि मैं मतलब सेटअप पूरा बना लूं, क्योंकि मैं अकेला जो है ना अगर बनाऊंगा तो मैं ज़्यादा इजाफी कुछ नहीं बना सकता। फिर मैं थोड़ा सा ही सेटअप बनाऊँगा, यानी कि हाफ देग जो है ना मैं बनाऊँगा, ठीक है? फुल देग नहीं होगी, हाफ बनाऊंगा, जो कि मैं मतलब इधर ज़रूरत के जो घर है उनमें दे सकूं। अगर चलो कोई और मतलब इसमें हिस्सा डाल दे या इसमें मिल जाए तो मैं एक देग मुकम्मल बना लूं या दो देगें बना लूं, ताकि हर जगह में ये तकसीम हो जाए, ठीक है? क्योंकि बड़े दिन जो है दावत करें इस नेक महीने में, तो अल्लाह पाक बहुत ही ज़्यादा कबूल भी फरमाता है और बहुत ज़्यादा देता है अल्लाह पाक। इंशाल्लाह इरादा तो यही है कि बस इस महीने में कोई ना कोई मेरे पास ज़रूर ये लंगर का इंतज़ाम हो जाएगा, कोई अल्लाह का बंदा ज़रूर आपके भाई के पास अमानत रखेगा। तो अगर नहीं भी रखेगा तो मेरा खुद का प्लान तो है ना, तो इंशाल्लाह मैं जो है ना फिर जैसे तैसे करके अल्लाह पाक कहीं से सबब बना देगा, कोई अल्लाह पाक रास्ता बना देगा, क्योंकि हमने अल्लाह के नाम पे अल्लाह के राह पे देनी है, तो देना है उसने ही है, तो हमने उसके राह पे देनी है, ठीक है? दे वो ही रहा है, शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, वो दे रहा है, हम खा रहे हैं और हम पहन रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। हाँ, हर हाल में शुक्र है इंसान को अल्लाह पाक, और भी बहरहाल ये है कि अल्लाह के नाम पे अल्लाह के राह पे देने से कभी कम नहीं होती, रिस्क में, कारोबार में, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह जो होते हैं, बहुत सारी जो मुसीबतें आपकी तरफ, अल्लाह ना करे पहले तो कोई मुसीबत आए, कोई मुसीबत जो होती है ना बुरा मतलब बुराई जो कोई आने वाली होती है इंसान के ऊपर, वो चीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है? शैतान का जो पहरा होता है ना वो ऐसा समझ लें जो शैतान का दायरा होता है वो टूट जाता है, ठीक है? तो बहरहाल अभी माशाल्लाह शाम का टाइम होने वाला है, मगरब से पहले पहले इन्होंने रोटी सालन रेडी करके दुआ कराते हैं, आप सबके लिए भी दुआ करते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है ना खाना शाने का इंतजाम अभी शुरू होते हैं ना टाइम से। हाँ शुरू हो जाओगे। तो माशाल्लाह से सुहाना और मैं जो है अभी बैठ गए मसाला रेडी करने, मैंने कहा क्या दुनिया का जो है पाउडर बना ले, मैं अभी लहसुन बना लूँ। आज जल्द से जल्द खाना बनाते हैं क्योंकि ख़त्म शरीर भी बनाना है ना, तो जल्द ही खाना बना रहे हैं। ओए मार दी खेल।
में ना कद्दू शरीफ डालेंगे। वैसे भी कद्दू शरीफ की का सालन खाने से जो बहुत ज़्यादा सवाब होता है जी। छोटा चावल आपने क्या खाना है? चिकन हदी चावल खाओगे? हम सालन बनाते हैं तो इसे पता चल जाता है कि आज सालन जो है बना रहे हैं, तो कहते मुझे अम्मी थोड़ी सी बोटी जो है निकाल के दो, इसलिए अभी टाइम से हमारे पास ये भी आ गया है। ओए हदी जाओ वो ले आओ, जाओ बाजी तू बाज 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 आओ कर लेके बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अभी दुआ कर ली है ठीक है। और वैसे भी हमारी तो हमने पहले पढ़वा दिया हाँ, कदम शरीफ के लिए साथ में जो अंकल हैं हमारे बुजुर्ग हैं उनको जो है ना सालन रोटी वगैरह बना के पूरा सेटअप उनके घर में दे दिया, तो माशाल्लाह उन्होंने दुआ कर दी है ठीक है। माशाल्लाह जी आलू गोश्त सॉरी कद्दू गोश्त बनाया, कद्दू शरीफ कहने चाहिए ठीक है। हाँ तो पहले दे अम्मी को दें, पहले उधर ही सुहाना को ठीक। बस मेरी तो दुआ होती है आप सब फैमिली के लिए, जितने भी मुझे बहने और भाई देखते हैं, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत रखे। और आज के दिन में वैसे ये नहीं कहना चाहिए, आज के दिन में माशाल्लाह हर किसी ने दावत की होगी, मैं ये कहने लगा था कि सिर्फ आज के दिन में जिन्होंने की हो, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में हर किसी ने दुआ वगैरह कराई होगी, हर किसी ने अपने घर में अच्छा इंतज़ाम किया होगा, हर किसी ने माशाल्लाह अपने घर में जो है ना कुछ बनाया होगा और फैमिली में हाँ। अच्छा ये बड़ी मतलब है कि देखिए अल्लाह पाक के बीच में दिन आते हैं रहमत और बरकत के, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे माह रमज़ान, पूरा माह रमज़ान बंदा जो है ना नमाज पढ़ता है और सहरी की तैयारी करता है और इफ्तारी की तैयारी, सारे दिन की भूख होती है, शाम को बंदा पानी बनाता है मीठा, इतना खुश हो के फिर बंदा खाने का इंतजाम करता है, फ्रूट होते हैं। वैसे ही आज एक दिन था माशाल्लाह 12 रबी अव्वल का, तो ये भी रहमत और बरकत का दिन था, तो हमने पूरे दिन में ये मतलब कि तैयारी की है खाने की कि खाना बनाए और क्या बनाए, हर किसी की ये हर कोई ये सोच रहा होता है किसी की क्या चॉइस होती है खाने में किसी की क्या। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक की लाख नेमतें हम खाते हैं और शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह के राह पे देना भी चाहिए। अब्दुल हादी भी बस देखे मट्टी का आगे आ गया ठीक है। चलो इसके पीछे भागो की सुहाना ये बात ठीक है। हाँ तो आप लोगों ने बताना है व्यूअर्स के किस फैमिली ने क्या बनाया था आज, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है।
तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखूंगा। आज हमने तो कद्दू शरीफ और चिकन बनाया था, बस एक ही सालन बनाया था, ठीक है। तो भी बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं, खाने को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, खाना लग गया है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। पूरी वाच किया करें, सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, ठीक है। तो आपके भाई को आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।